हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है सखी रिदी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, इन दिनों मैं ब्लॉग्स के साथ ही बिजी हूँ। हैशटैग राजस्थान का टूर आपको करवा रही हूँ। कहाँ कहाँ मुझे जाना पॉसिबल हो रहा है, उन जगहों के वीडियोस और उधर के दर्शन मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ। सो आज मैं फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर आई हूँ। आप सबको पता होगा, लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जैसे हम स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में करते आ रहे हैं, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फिजिक के लिए, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। पर कैन यू इमेजिन कि मेरे आसपास हमारे ही फैमिली में एक ऐसे रिलेटिव रहते हैं जिन्होंने कितने सालों में कितना काम किया है, और वो भी एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। प्लेयर, ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही हैज़ अचीव्ड मैनी मैनी अवार्ड्स। यू कैन से कि उन्होंने छोटे लेवल से लगा के बड़े लेवल तक का काम किया है। तो आज मैं ऐसी ही जगह और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने आई हूँ। सो लेट्स कम विथ मी। ये है उनका घर, और मैं घर का टूर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी, उनके अचीवमेंट्स। उन्होंने काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें जमा करके रखी है। इवेंचुअली यहाँ पे आने का मेन मकसद मेरा ये था, मैं और जैसे मैंने बताया, यहाँ की बातों में ज़्यादातर मेरे कज़न्स भी इन्वॉल्व है। हम बचपन से ही इनके घर पे आते थे क्योंकि ऑफकोर्स ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो हमें छोटी छोटी चीज़ें, जो अचीवमेंट्स और जो एंटिक चीज़ें देखने मिलती थी ना, हमेशा से दिमाग में रहता था कि कैसे मैं इनको एक मेमोरी में सेव कर दूँ। तो इवेंचुअली मुझे आज मौका मिला है कि मैं उनसे बात भी करूं और ये सारी चीज़ें कैप्चर भी करूं। सो लेट्स कम विथ मी। ये उनके सारे अचीवमेंट्स हैं, ये अवार्ड्स हैं। देखो, इनकी खास बात तो ये है कि इनको उन्होंने स्पोर्ट्स में जीता है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, काफ़ी सारे प्ले में और काफ़ी सारे गेम्स में। और आपको, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, आपको देखो इनकी क्रिएटिविटी भी अच्छे से दिखती होगी। हर एक सिंबल का महत्व है, आर्टिस्टिक का वैल्यू है, सिंबलाइज करता है कोई शांति का, कोई खेल का, कोई विक्ट्री का, कोई क्या। एंड इट्स रियली रियली वेरी कमेंडेबल कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। और ये देखो, सबसे मेन चीज़ ये इनके फैमिली पिक्चर्स हैं, आपको दिख रहे हैं जी। ये रहे जिनसे आज हम बात करेंगे, और ये उनके अचीवमेंट्स के साथ फोटोज़, ये उनका जेंटलमैन वाला लुक। आपको लुक से ही समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, ही इज़ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। सो ये देख लो, ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, अभी के समय में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग वो कर नहीं पाते हैं। और ये देखो कितना पुराना फोटो है, और ये रहा बैडमिंटन खेलते हुए, इनका नाम भी आया है अखबार में, भंवर त्रिवेदी। आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे पर्सन से मिलके जो कि अपने फिजिक को लेके बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वी गेट मैनी अपॉर्चुनिटी बट दो वी डोंट डू इट। और इन्होंने उस ज़माने में इतनी सारी अचीवमेंट्स लिए, तो ये सारा देख के तो हम कह ही सकते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको बस जीतने का जज्बा होना चाहिए। ये देखो, वो ये रहे मेरे बड़े पापा, और ये रहे भंवरलाल जी त्रिवेदी, जिनके बारे में बताने वाली हूँ। ये भी हमारे रिलेटिव है। ये देखो कितने पुराने पुराने पिक्चर्स हैं, इन्होंने सारी चीज़ें संभाल के रखी है। और ये रहा इनका छोटा सा प्यारा सा होम गार्डन, हम जिसे बोल सकते हैं, जिनमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो की है। यहाँ पे जैसे मुझे पता चला, शहतूत भी है, अमरुद भी है, सीताफल भी है, लेमन भी है, बिलपत्र भी है। बिलपत्र का जो फल होता है वो अभी फ़िलहाल आया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये लुक आप देख लो अच्छे से, वो सो गाइज, ये है श्री भंवरलाल जी त्रिवेदी। इन्हीं के बारे में मैं आपको अब तक इतना सारा डिटेल दे रही थी, तो चलो इनसे कुछ बातें करते हैं। सर जी, आप बताएं कि कितने साल आपने एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर काम किया है? मैं 1965 और 66 से मैं इस एजुकेशन में हूँ, और मैंने 66 में फिजिकल कॉलेज जोधपुर से डिप्लोमा किया था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग गर्ल्स स्कूल में लगी,
और मैं 67 से लेके और वहाँ पर करीब 8 साल तक रहा। अच्छा, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। ओके। और फिर मैं वहाँ से रोयडा गया, रोयडा से पालडीएम आया, पालडीएम से बड़गांव आया, बड़गांव से रेवदर गया, रेवदर से फिर सिकवन लौटा। इस तरह से पूरे 39 ईयर्स इस गवर्नमेंट जॉब किया। 39 ईयर्स। तो एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर, ना कि दूसरों को सिखाना, खुद को भी फिट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने किस तरीके से अपनी सेहत को संभाला, कुछ डाइट रखी या कैसे, क्या आपने सोचा? ऐसा कि उसका एक टाइम कि सुबह से लेके शाम तक हमारी क्या एक्टिविटी है और उसके अंदर अपना समय कौन सा है, उस समय के अंदर मैं अपनी जो फिजिकल एक्सरसाइज है या कोई भी शरीर संबंधी जो भी है एक्सरसाइज, वो मैं करता हूँ। और वो मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठता हूँ, 4 से 5 बजे तक बाथरूम का कार्यक्रम, 5 से 7 बजे तक आसन व्यायाम, और 7 के बाद फिर उसके बाद में फिर वो डेली काम होता है। तो इस तरह से शरीर को बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1/2 घंटा या 1 घंटा इस शरीर को दो और शरीर को तब वह जाके स्वस्थ। करेक्ट, सही बात है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वॉकिंग के लिए भी जाता हूँ, वॉकिंग करके आता हूँ, खाना खाने के बाद भी वॉकिंग करता हूँ। इस तरह से ये शरीर है जो बना रहता है। इन्होंने काफ़ी सही कहा है, जैसे ये हमको डेली लाइफ के बारे में बता रहे हैं। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि हम एक्टर एक्ट्रेसेस की बात तो सुनते हैं, मानते भी हैं, जैसे अक्षय कुमार खुद कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1 घंटा तो व्यायाम के लिए निकालना ही चाहिए। और इनका मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल बताया है कि किस तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में इतने अचीवमेंट्स लिए हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलते, आज की तारीख में भी आपको इतना एफ़र्ट्स करना पड़ता है। सोचो वो टाइम में कितना इन्होंने एफ़र्ट्स किया होगा। इस समय मैं 75 क्रॉस कर दिया है मैंने, और मेरी इच्छा है कि 75 क्रॉस के अंदर अगर कोई बैडमिंटन के खेल होंगे या प्रतियोगिता होगी तो मैं उसमें भाग लेने की पूरी इच्छा रखता हूँ। अरे वाह, इट्स सो ग्रेट। 75 ईयर्स में भी आपकी जो प्लेयर वाली जो स्पिरिट है वो अभी भी ऐसी बनी हुई है, दैट्स रियली कमेंडेबल। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने देखा है आजकल के दौर में या काफ़ी दफ़ा लोग अपने शरीर को लेके ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, और बीमारी होने के बाद चलना, डाइट प्लान करना, ऑयली फूड्स छोड़ना बीमारी होने के बाद शुरू करते हैं, तो आप क्या कुछ टिप देना चाहोगे कि ऐसा ना हो? ऐसी बात है कि जब शरीर के अंदर आपके पास में अगर जब तक आप स्वस्थ है तो उसको कंटिन्यू बनाने के लिए, उसके अंदर शरीर को मेंटेन बनाने के लिए उसके अंदर समय तो देना ही पड़ेगा। और जब बीमार हो जाते हैं और फिर डॉक्टर सलाह कहता है कि आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है, आप हार्ट के डिसीज है इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको ऐसे खड़े होकर ऐसे हाथ पांव करने होंगे, ये होंगे, ये तो सब पहले से ही करना चाहिए। कि डॉक्टर की सलाह लेने से पहले अगर आप ये हमेशा करते रहते हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए, आदमी जब बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है तो उसके बाद मेरे एक पड़ोसी है, वो रोज़ अभी आधे आधे घंटे के रबड़ खींचते हैं, कभी कुछ खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं। हाँ, इसका कारण क्या है? ये बस डॉक्टर ने पहले उनको कहा था, मैंने कहा तुम शुरू करो पहले से ही, लेकिन उन्होंने शुरू नहीं किया। जब वो बीमार हुए, बॉम्बे गए, उनके हार्ट के अंदर कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो अब वो रबड़ खींच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो पहले करना था। तो ये बात इसलिए क्या है कि आदमी जब अपना शरीर के ऊपर खुद भी ध्यान देगा तो उसके बाद में फिर वो कैसे बनेगा, तो फिर तो उसके बाद आपको गोलियां घटनी है। सही सही, करेक्ट है, थैंक यू। नींबू शरबत पीने का राजस्थान में कुछ अलग ही मज़ा है, पता है? ये मज़ा तो राजस्थान के लोग काफ़ी अच्छे से समझते होंगे। हालांकि मुंबई की गर्मी में भी नींबू शरबत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कितने फ्रेश और कितने बड़े और अच्छे लेमन्स लगे हुए हैं ना, देखो ये इन्हीं के बैकयार्ड में होम गार्डन में लेमन्स लगे हुए हैं। इट्स रियली वेरी गुड, काफ़ी सारे लेमन्स हैं यहाँ पे। और सोचो इनको प्लक करके मस्त शक्कर, नमक, जलजीरा डाल के पीने का जो आनंद आएगा ना, वो इट्स अमेजिंग।